किसी लड़की को पहली नजर में इंप्रेस कैसे करें, कैसे उसे अपनी नजरों से ही अपने प्यार में फंसाएं। देखिए, प्यार में किसी लड़की को लाने से पहले उस अनजान लड़की से तो पहचान बढ़ानी होगी ना। सबसे पहले तो बात ही करना होगा। 80% लड़के तो बात करने में ही काफी कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसके वजह से लड़कियां उनसे बात ही करना ही नहीं चाहती। अरे, जब बात नहीं होगी तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर फर्स्ट इम्प्रेशन ही इतनी गंदी हो गई तो आपकी तो आगे की जो प्यार की रेलगाड़ी वो तो चली गई है ना, पटरी पर आई ही नहीं आपकी रेलगाड़ी। तो सबसे पहले मेरे जो टिप्स है ना, उसे आजमा लो। और डेफिनेटली कोई भी लड़की, चाहे वो पहचानी हो, अनजानी हो या फिर बहुत ही दूर की हो, आप पहली बार उनसे मिले हैं, वो आपसे इंप्रेस जरूर होगी और डेफिनेटली आपसे वो बातचीत करेगी और मे बी आपसे प्यार में भी पड़ जाएगी। तो पहली बार जब आप किसी से मिलते हो, किसी लड़की से मिलो, तो सबसे पहले चेक करें ना कि माहौल क्या है, आखिर चारों तरफ का इन्वायरमेंट क्या है। जब इन्वायरमेंट को आप देख लोगे तभी बातचीत शुरू करना। कहीं ऐसा ना हो कि माहौल सही नहीं हो और आप गलत जगह पे सही काम करना शुरू कर दो। इम्प्रेस करने का तरीका है, उससे सबसे पहले आपको देखने का तरीका सही करना होगा। काफी लड़के ना टॉप टू बॉटम देखते हैं, या फिर उन्हीं जगहों पे देखते हैं जहाँ पे लड़कियों को सबसे ज्यादा ऑकवर्ड लगता है, बुरा लगता है। अगर आप उनके चेस्ट एरिया पे देखोगे, या फिर उनके हिप्स पर देखोगे, या फिर उनकी बॉडी पे देखोगे गलत तरीकों से, तो लड़कियों का सिक्स सेंस काम करता है, वो आपको क्या समझेगी, छपरे, ये मेरे बॉडी के शेमिंग कर रहा है, उन्हीं गंदी जगहों पे गंदी नजरों से देख रहा है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। सबसे पहले तो आई कांटेक्ट करें। आई कांटेक्ट से ये पता चलता है कि आप एक अच्छे इंसान हो, एक वेल मैनर्ड इंसान। जैसे ही आई कांटेक्ट करोगे तो वो भी आपको देखेगी। अगर वो शर्मा की नजरें झुकाती है तो समझ लो कि हाँ, उसके दिल का दरवाजा खुला है। इट मीन्स वो किसी से पटी नहीं है। अगर किसी और से, यानी वो रिलेशनशिप में है, तो फिर वो आपको आंखें दिखाएगी, भाव नहीं देगी, या फिर कुछ फेशियल ऐसे एक्सप्रेशन करेगी जो आपको ये साइन दे देगा कि ये लड़की आपके लिए नहीं है। मीन्स ये आपसे इंप्रेस या बातचीत नहीं करने वाली। नंबर 2 है, उसका मूड चेक करें। देखिए, काफी चीजें आपको देखने से ही पता चल जाएगी। काफी लड़कियां जो है एरोगेंस होती हैं, वो किसी से बातचीत भी कर रही है ना तो काफी ज्यादा गुस्से से कर रही होती है। लड़की अगर नॉर्मल नेचर की है, उसके पहनावे से ही ऑलमोस्ट आपको पता चल जाएगा, या फिर कुछ चीजें वो कर रही होंगी, साइलेंट है, या फिर वो नॉर्मली बिहेव की है, तो उसे देखने से ही आपको अंदाजा हो जाएगा। उसी हिसाब से आप उससे बातचीत करना शुरू करो। डायरेक्ट उसे जाके हाय हेलो मिस ब्यूटीफुल, कैसी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, ऐसे वाले कमेंट मत करो। लड़कियों के ये कमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। सबसे पहले तो कुछ एक जेन्युइन बहाना ढूंढो, एक सच्चा बहाना ढूंढो जो उसे इम्प्रेस करे। जैसे कि अगर उसके हाथ में कोई किताब है, सपोज वो एक कॉलेज में है या फिर कहीं पे, उसके हाथ में एक किताब है, तो आप पूछो कि आप वो स्टूडेंट हो या फिर आप उस डिपार्टमेंट की हो, ये बुक तो उस राइटर की है ना, काफी अच्छी किताब है, क्या मैं देख सकता हूँ। बस इसी बहाने से आपकी बातें जो है कंटिन्यू आगे बढ़ती जाएगी। तारीफ करना, बट सीधे उसके लिप्स और हिप्स की तारीफ मत करना, क्योंकि ये चीजें ना बिल्कुल भी अवॉइडिंग है, बहुत ही बेकार है। आप उसकी तारीफ करो जब किसी टॉपिक पे वो इंटरेस्ट ले, तो आप कहें कि आपकी नॉलेज इस चीज में काफी अच्छी लगती है, आप ये हो क्या, यानी आपका कोई ये प्रोफेशन है, एक्सपर्ट लगती हो, तो इस चीजों से उसे थोड़ा भाव मिलेगा और वो सोचेगी कि ये बंदा मुझ पे ये सारी चीजें नोटिस कर रहा है, ये अच्छा इंसान है। जब तक वो ना पूछे, अपनी पहचान मत बताना। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं ना, अपना प्रोफेशन, अपना स्टाइल, अपनी जो स्टेटस होती है उसे शो करने लगते हैं कि देखो मेरे बाप के पास ना इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। ये सारी चीजें करना बंद करो यार, ये चीजें कोई नहीं स्टार्टिंग में तो नहीं देखती। नो डाउट वो आपके स्टेटस को देखेगी, बट ऐसा नहीं कि वो बात करना भी ना चाहे। ये सारी चीजें मत करना, स्टार्टिंग में ये नहीं बोला जाता। इन सब के बाद अगर लड़की आपसे सीधे सीधे जवाब देती है, आपके बातों का सही से रिप्लाई करती है, इट मीन्स कि हाँ वो इंटरेस्टेड है। अगर वो बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़े आंसर कर रही है, रूडली आंसर कर रही है, इट मीन्स वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसे वहीं रोक दो, बात आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। फ्रेंडशिप करे और थोड़ा सा सब्र करे, वेट करे। फ्रेंडशिप हो गई, आपको आपकी इंस्टाग्राम, उसकी इंस्टाग्राम आईडी, सोशल मीडिया आईडी मिल गई, तो काम हो गया ना। नंबर एक्सचेंज हो गया तो और बेहतर है।
इसके बाद थोड़ा सा सब्र करें, दैट उसे दिल वाली इमोजी, किसेस वाले इमोजी, या फिर उसकी इतने पर्सनल लाइफ में मत घुस जाओ कि जिससे उसे बुरा लगे। बहुत सारे लोग मिलते ही बहुत सारी चीज़ें बात करना शुरू कर देते हैं, ये करना अच्छा नहीं होता, ऐसे लड़की इंप्रेस नहीं होगी। नेवर एक्सपेक्ट पहली नज़र वाला प्यार, पहली नज़र वाला प्यार पढ़ते ही वो मेरे पे पड़ जाएगी, ये बहुत अजीब सी ख्वाहिश होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो पहली नज़र वाला प्यार एक्सपेक्ट मत करें और थोड़ा वेट करें। ये सारी टिप्स अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली कोई भी लड़की आपसे बात करेगी। घबराना बिल्कुल नहीं है, वो आपको खा नहीं जाएगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी शो करना है। होप सो कि ये टिप्स आजमा के आपको आपकी पसंदीदा कोई भी गर्लफ्रेंड मिल सकती है, आपको आपका प्यार मिल सकता है, किसी अनजानी लड़की से आप बात करने में डरेंगे भी नहीं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।